गुड मॉर्निंग या वेलकम टू कैडी क्लासेस। आपके सामने क्लास 12 का बायोलॉजी पार्ट 5वां वीडियो है, यानी हम मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। मेंडल के अनुवंशिकता का नियम क्या होता है, अनुवंशिकता क्या होता है, उस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हमने मेंडल ला पढ़ा था, मेंडल के अनुवंशिकता का क्या नियम होता है उसको हमने पढ़ा था। हमने बताया था मेंडल के अनुवंशिकता के तीन नियम है, तीन नियम में जिसमें दो नियम बताए जा चुके हैं और ये आज तीसरा नियम पढ़ेंगे जो एक थोड़ा सा कि उन दोनों नियमों की अपेक्षा ब्रॉड है, बड़ा है और इंटरेस्टिंग है। इस तीसरे नियम को हम के नाम से जानते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम, बताया गया था तीनों नियम में। और ये जो क्लास 12 का वीडियो आप देख रहे हैं, ये चैप्टर क्लास 10 में भी है, आप याद रखिएगा जेनेटिक्स या अनुवंशिकता के नाम से। तो ये हम तीसरा नियम क्या होता है मेंडल को उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल का तीसरा नियम को हम जानते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, यानी जो आपको फ्रीडम स्टेज में अपने आप को प्रेजेंट करे, स्वतंत्र अवस्था में जो अपने आप को रिप्रेजेंट करे वही इस नियम को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। देखिए इस मेंडल के इस नियम की व्याख्या तब किया जाता है जब हम दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी हम किसी विपरीत जोड़े के दो या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर जब स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब ये नियम लागू होता है। प्राय ये नियम जो होता है आपका डाई क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझते हैं, यानी द्विसंकरण संकर के माध्यम से इसकी व्याख्या किया जाता है। याद रखिएगा जो हमने दो नियम पढ़े थे मेंडल के, पहला नियम क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम क्या था ऑफ प्योरिटी लॉ ऑफ प्योरिटी गेमिट या ऑफ लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, यानी पृथककरण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम, एक ही नियम था, दूसरा था प्रभाविता का नियम। ये दोनों नियमों को व्याख्या हम एक संकर संकरण के माध्यम से करते हैं, अर्थात जिसमें केवल एक लक्षणों का व्याख्या किया जाता है उनके द्वारा उसका हम व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या तब करेंगे जब दो या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसकी व्याख्या करने के लिए आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता लिया जाता है। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं, एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए आएगा एग्जाम में, अगर इसका आएगा तो मेंडल के स्वतंत्र प्रदर्शन के नियम की व्याख्या कीजिए, या मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए, यह मेंडल की इंग्लिश में रहेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम की व्याख्या कीजिए, या करके दिया रहेगा, यानी आपको हमने बताया इस नाम से रहेगा, या करके रहेगा मेंडल के द्विसंकरण संकरण की व्याख्या कीजिए, यानी द्विसंकरण संकरण की सहायता से मेंडल की नियम की व्याख्या कीजिए। जब आपका द्विसंकरण संकरण की सहायता से व्याख्या करने की बात आएगा तो सीधा सीधा आप इस नियम को वहां पर आप लिखेंगे, यानी इस नियम की सहायता से ही डाई हाइब्रिड, याद रखिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस की व्याख्या की जाती है, किसकी डाई हाइब्रिड क्रॉस की व्याख्या की जाती है। आइए आप कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से इस नियम की व्याख्या किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं इस नियम क्या होता है, आप जानेंगे मेंडल का इस नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है। इस नियम की व्याख्या तब किया जाता है जब हम विपरीत लक्षण वाले दो जनकों के मध्य दो या दो से अधिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, या द्विलक्षण के या बहु लक्षण का अध्ययन करते हैं, तो इस नियम की व्याख्या किया जा सकता है। होता क्या है, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों, यानी जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों के मध्य हम संकरण कराते हैं, या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखिए, जब दो एलील आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने क्या होता है F1 पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। क्या प्रकट होंगे, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। अब प्रभावी लक्षण का जब आपका स्वपरागण कराते हैं, यानी F1 पीढ़ी के जनक के पौधे का जब स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण कराने से पहले युग्मक का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होगा, युग्मक। युग्मक बनने से पहले स्वतंत्र अभ्यूहन युग्मक बनने से पहले आपका पृथक्करण का नियम लागू होता है। कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम लागू होता है। अब पृथक्करण के नियम लागू होने के बाद तब जाके आपके प्रत्येक जीन्स एलील आपस में असंगत क्रम जुड़ करके
स्वतंत्र प्रदर्शन करते हैं और चार तरह के पौधे बनाते हैं या चार तरह के युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं। यही होता है स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रख के हम पृथक पौधे के जनक पौधे के मध्य क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे दिखाई देते हैं। प्रभावी लक्षण वाले पौधे को यानी प्रथम पीढ़ी के पौधे को, संकर पौधे को जब स्वपरागण कराया जाता है, स्वपरागण कराने से पहले युग्मक निर्माण होता है और युग्मक निर्माण होने से पहले इसमें पृथक्करण का नियम लागू होता है। यानी आपके एक स्वतंत्र प्रदर्शन नियम के से पहले पृथक्करण का नियम, युग्मक के आपके शुद्धता का नियम लागू होता है, जिसके अलावा आपके चारों एलील अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के असंगत क्रम में जुड़ करके चार तरह के युग्मक बनाएंगे और चार तरह के युग्मक की सहायता से आपके चार तरह के पौधे का निर्माण होकर के स्वतंत्र प्रदर्शन करते हैं। यही होता है स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम। देखिए फॉर एग्जाम्पल से बहुत आसानी से हम समझेंगे। इसमें एग्जाम्पल बताया जाता है, हम आपके दो तरह के आपके पौधे लेंगे, एक प्रभावी पौधा होगा दूसरा अप्रभावी। याद रखिएगा एक क्या होगा प्रभावी, दूसरा अप्रभावी। दो तरह के पौधे लेंगे, विपरीत लक्षण वाले पौधे लेंगे। यहां दो तरह के पौधे लेंगे, आपका एक पौधा क्या होगा, आप हम यहां पर बीज किसके बारे में, सीड को ध्यान में रख के अध्ययन करेंगे। यानी जो मटर का पौधा होता है उस मटर के सीड बीज होते हैं, उस बीज को ध्यान में रख के अध्ययन करेंगे। अब बीज के हम दो करेक्टर लेते हैं, कितने करेक्टर, दो करेक्टर। देखिए बीज जो होगा दो तरह होगा, पहला बीज जो होगा, फर्स्ट बीज जो होगा राउंड होगा और येलो होगा। याद रखिएगा पहला बीज कैसा होगा, राउंड गोल, और कैसा होगा, जो गोल बीज होगा वो आपका पीला होगा। याद रखिएगा यानी एक बीज लेंगे जो गोल हो और पीला हो, दूसरा इसका विपरीत लक्षण यानी गोल की तरह विपरीत क्या होगा, झुर्रीदार। दूसरा करेक्टर क्या रहेगा, व्रिंकल लिखा हुआ हमने, व्रिंकल और ग्रीन यानी झुर्रीदार लेंगे। कैसा लेंगे, झुर्रीदार। और झुर्रीदार कैसा होगा, उसका कलर हरा ग्रीन। देखिए हमने बीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बीज के दो करेक्टर है। एक तो पहले बीज का आकार ले रहे हैं, आकार कैसा है, एक बीज गोलाकार का है, दूसरा बीज कैसा है, झुर्रीदार है। गोलाकार है, झुर्रीदार हमने डिफिनेशन बताया था पिछके हुए। जो गोल बीज होगा पीला करेक्टर होगा और जो झुर्रीदार बीज होगा वो कैसा होगा, हरा होगा। इन्हें हमने दो लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस करा रहे हैं। अब जब इन दोनों लक्षणों को हम आपका क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और हम जानते हैं प्रभावी करेक्टर क्या होगा, ये होगा। यानी पहले पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो भी पौधा उत्पन्न होगा वो आपका गोल वाला होगा और पीला बीज वाला होगा, गोल और पीला बीज, लेकिन संकर होगा। कैसा होगा, संकर होगा। अभी देखिए जब ये गोल और पीले बीज को जब स्वपरागण कराएंगे यानी आपस में उसी पौधे को उसी आपके पौधे जैसे पौधे से क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से पहले दूसरे पीढ़ी में जो पौधा बनेगा, दूसरी पीढ़ी में जो संतत बनेगा, संतत बनने से पहले हम जानते हैं युग्मक बनता है, क्या बनता है, गैमेट। क्या बनेगा, गैमेट। यहां देखिए गैमेट बनने से पहले आपका F1 पीढ़ी का जो भी आपका प्लांट होगा उसमें सबसे पहले आपका पृथक्करण का नियम लागू होता है, यानी प्रभाविता नियम भी इसमें आ रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे पीढ़ी के युग्मक बनने से पहले पृथक्करण का नियम लागू होता है। पृथक्करण के नियम के आधार पर आपके सभी भी चीज अलग हो जाते हैं और अलग होने पे क्या होता है, आपके असंगत क्रम में जुड़ करके चार तरह के युग्मक बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आपको साइटोजेनेटिकल व्याख्या का हम बता रहे हैं एग्जांपल में, जिसे हम साइटोजेनेटिकल बताया था, क्या होता है साइटोजेनेटिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए जो गोल बीज होगा राउंड के लिए आपके एलील हम क्या लेंगे, RR, और जो आपका पीला होगा पीला के लिए एलील क्या होता है, YY, ये एलील हो गया। इसी का डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस प्रभावी लक्षण, इसी का अप्रभावी लक्षण यानी व्रिंकल जो आपका रहेगा वो कैसा होगा, एलील स्मॉल आर आर। ग्रीन जो होगा उसके लिए एलील कैसा होगा, स्मॉल YY। ध्यान देंगे ये प्रभावी कैरेक्टर गोल और पीले के लिए, ये झुर्रीदार हरे के लिए एलील हो गए।
जब एलील होगा ये दोनों आपके क्या है गोल पीले बीच एक साथ है, इसलिए हम इसको एक साथ लिख सकते हैं एलील आपका ये जो होगा इसके लिए हम लिख सकते हैं आपका यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई राइट। ये आपका आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल वाई यानी ये कैसा है गोल और पीला बीज वाला, ये कैसा है आपका झुरीदार और हरा बीज है जहां मैंने वहां दिखाया है उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए हमने जब इस दोनों को क्रॉस कराएंगे क्रॉस कराए क्या बनेगा, सबसे पहले आपका ये समयुग्मक कैसा है समयुग्मक होमोजाइगस बताया गया था होमोजाइगस है तो एक समान युग्मक बनाएगा, जब एक समान युग्मक बनाएगा क्या बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई आएगा। दिस इज ए गैमेट, क्या ये गैमेट्स, ये भी आपका क्या है इसका अप्रभावी भी क्या पौधा है जो आपका झुरीदार है और हरा है समयुग्मक है एक प्रकार का युग्मक बनाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये गैमेट हो गया और गैमेट गैमेट आपस में जब फ्यूज करेगा तो आपका क्या होगा पौधे का निर्माण होगा तो क्या आएगा कैपिटल आर याद रखिएगा कभी भी कैपिटल को पहले लिखते हैं स्मॉल को उसके बाद लिखते हैं तो पहले आर आर का संयोजन कराइए आर यहाँ आया इसका एक आर यहाँ आया फिर कैपिटल वाई यहाँ आया फिर स्मॉल वाई यहाँ आया। अब ये प्लांट बना यानी इसके प्लांट में सीड कैसे होंगे बीज कैसे होंगे अब ये देखिए ये कैपिटल आर इसके आर ऊपर प्रभावी रहेगा अर्थात इसका करेक्टर शो नहीं होगा इसका करेक्टर शो होगा तो इसका करेक्टर क्या है गोल इसलिए गोल दिखाई देगा। ये वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी होगा अर्थात इसका लक्षण इसके ऊपर भारी हो जाता है दिखने नहीं देता है तो दिखे कैसा पीला इसलिए पीला दिख रहा है क्या संकर क्योंकि दोनों के जींस इसमें है इसलिए संकर का लगा तो संकर आपका राउंड आपका क्या हुआ येलो वाला बीज दिखाई देगा कैसा बीज होगा दिखाई देगा। तो यहां पर कौन सा नियम लागू हो रहा है प्रभाविता का नियम प्रभाविता के नियम अनुसार से आपको यह दिख रहा है। अब देखिए जब प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है इसमें हम क्या करते हैं सेल्फ रिप्रोडक्ट सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कराते हैं क्या कराएंगे स्वपरागण यानी इस पौधे का प्लांट इसी पौधे से कराएंगे अर्थात इसका क्रॉस में भी यहां लिखते हम ध्यान दीजिएगा यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस इसी से कराएंगे तो इसे कहते हैं हम स्वपरागण क्या कहेंगे स्वपरागण। जब स्वपरागण कराएंगे तो स्वपरागण कराने से आपके क्या कराने से पहले युग्मक फॉर्मेशन करेगा ये क्या करेगा युग्मक निर्माण ध्यान दीजिएगा युग्मक का निर्माण करेगा। अच्छा युग्मक निर्माण होगा तो युग्मक निर्माण से पहले आपका पृथक्करण का नियम लागू होता है कैसा नियम ये देखिए आर आर था वाई वाई था ये है आपका एफ1 पौधे का प्लांट जो गोल और पीला ये आपके युग्मक बनाएगा लेकिन युग्मक बनाने से पहले सभी इसके जीन्स आपस में क्या होते हैं बढ़ जाएंगे पृथक्करण हो जाएगा अलग हो जाएगा शुद्ध आपका हो जाएगा तो आपके पृथक्करण के नियम के अनुसार कैपिटल आर अलग ये आपका स्मॉल आर अलग कैपिटल वाई अलग और स्मॉल वाई अलग इसी कहते हैं पृथक्करण का नियम यानी आपके एक साथ रहते हुए आपस में मिक्सिंग नहीं होते हैं। आपका क्या होता है जब स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी के लिए युग्मक बनाने से पहले स्वतंत्र रूप से जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वह शुद्ध रूप से अलग होते हैं इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं जो हमने बताया था। अब देखिए जब ये आपको पृथक्करण के नियम अनुसार सभी आपके जीन्स अलग हो जाते हैं तो ये आपस में आपके स्वतंत्र प्रदर्शन होकर के असंगत क्रम में कैसा रैंडम एक्सिस स्वतंत्र आपका रैंडम एक्सिस यानी आपका रैंडमली आप क्या होते हैं असंगत क्रम में जुड़ करके आपके स्वतंत्र प्रदर्शन करके चार तरह के युग्मक बनाएंगे कितना चार तरह के स्वतंत्र मतलब ये सबसे पहले इससे फ्यूज करेगा गोल वाला पीला से जब गोल वाला पीला से करेगा फिर गोल वाला किससे होगा हरा से होगा। तो देखिए आपका चार युग्मक पहले कैपिटल आर और कैपिटल वाई भी आपका क्या बनेगा युग्मक बनेगा यानी ये आपका जीन्स पहले इससे फिर ये जीन्स इससे भी क्या करेगा संयोजन होगा जुड़ेगा तो आपका युग्मक बनेगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई युग्मक बनेगा एक युग्मक दूसरा फिर कैपिटल सॉरी आर और स्मॉल वाई से आपका संयोग करेगा तो दूसरा युग्मक बनेगा। जिस प्रकार से ये लक्षण इनसे इनसे क्रिया करता है उसी प्रकार से ये भी जीन्स इनसे इनसे भी क्रिया करेगा। अब देखिए ये जब ये क्रिया करेगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई से संयोग होगा फिर उसी प्रकार ये भी करेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई से संयोग करेगा तो कितने युग्मक बन रहे हैं देखिए चार युग्मक नोट कीजिएगा यही समझना जरूरी है इसी में आपका स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम भी लागू हो रहा है और आपका पृथक्करण का नियम
तो सबसे पहले पृथक्करण का नियम लागू होकर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद रैंडम एक्स जुड़ करके आपस में चार तरह के युग्म बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम। और जब चार तरह के युग्म बनेगा आपके चार तरह के प्लांट का निर्माण भी होता है। कितने प्लांट का? चार तरह के पौधे का निर्माण होता है, जिसका रेशियो 9:3:3:1 आएगा। वो चार तरह का प्लांट कैसा होगा? अब देखिए, चार युग्म बना, यहां देखा आपने, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मेल, मान लीजिए ये फीमेल गैमेट्स, दिस इज ए मेल गैमेट, दिस इज ए फीमेल गैमेट्स। क्या देखें, ये गैमेट है, क्या है? गैमेट। अब नर मादा युग्मक फ्यूज करके आपस में संयोग करके आपका पौधे का निर्माण करेंगे। टोटल 16 पौधा बनता है। कितना बनेगा? 16 पौधा बनेगा। आप काउंट करेंगे, 4, 4, 8, 4, 12, 16 पौधे का निर्माण होता है। और 16 पौधे में लेकिन चार तरह के प्लांट होंगे, चार तरह के बीज वाले पौधे होंगे। देखिए, चार तरह के बीज वाले कैसे होंगे? चार तरह के बीज वाले पौधे होते हैं। पहला बीज कैसा रहेगा? पहला राउंड एंड येलो वाला आएगा प्लांट। क्या देखिए, पहला राउंड होगा और येलो, यानी पहला कैसा होगा? गोल होगा, हिंदी में लिखेंगे हम, और पीला होगा, गोल पीला। क्लियर? दूसरा तरह का पौधा कैसे बनेगा? दूसरा तरह का पौधा व्रिंकल्ड होगा, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी हिंदी में कहेंगे इसे झुर्रीदार और हरा। नेक्स्ट देखेंगे, झुर्रीदार हरा के बाद आपका दूसरा क्या आएगा? हाँ, फिर से आपका राउंड आएगा एंड येलो की जगह ग्रीन हो जाएगा, राउंड ग्रीन। ये कैसा होगा? हिंदी में कहेंगे इसे हम गोल हरा। फिर कैसा होगा? ब्रिंकेड, ये येलो होगा, देखिए इसके बाद देखिए चार तरह जो हमने बताया, चार तरह सीड्स जो होते हैं, ब्रिंकल्ड एंड आपका यहाँ ग्रीन नहीं होगा, ब्रिंकल्ड आपका पीला ही रहेगा, येलो, यहाँ पर आपका पीला होगा, झुर्रीदार पीला, यहाँ पर आपका गोल हरा और झुर्रीदार हरा, गोल हरा एंड झुर्रीदार हरा। ये चार तरह का प्लांट होगा जिसका रेशियो आपका बताया गया, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। इन चार तरह के प्लांट होंगे। 9 प्लांट कैसा आएगा? गोल वाला, पीला वाला। 3 प्लांट कैसे होंगे? आपका झुर्रीदार होंगे लेकिन उसका कलर कैसा होगा? आपका पीला होगा। 3 प्लांट कैसे होंगे? गोल तो बीज आएगा लेकिन उसका कलर बदल जाएगा, गोल का पीला होना चाहिए लेकिन गोल कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और एक जो रहेगा झुर्रीदार हरा रहेगा। कह सकते हैं एक आप रॉयल लक्षण प्योर आएगा। क्लियर? नोट कीजिएगा ये जरूर। अब ये देखिए, जिस तरह से चार तरह के आपके युग्म बने, चार तरह के प्लांट बने, टोटल प्लांट की बात करें तो 16 प्लांट बनता है। कितने प्लांट? 16 प्लांट। इसी को हम समझेंगे यहां पर। ये कहते हैं चेकरबोर्ड परिकल्पना। ये हमने बताया एलील के माध्यम से साइटोजेनेटिकल व्याख्या, इसको जानेंगे चेकरबोर्ड परिकल्पना। अब हमने दो तरह समझा, एक एग्जाम्पल द्वारा, दूसरा साइटोजेनेटिकल व्याख्या द्वारा। अब चेकरबोर्ड से अगर समझेंगे तो क्लियर एकदम दिमाग में आएगा। इसको दिमाग में बैठाइए, अगर ये दिमाग में बैठा है पूरा का पूरा आप मेंडल का नियम लिख सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लिखने से पहले आपकी पूरा पूरा प्रिपरेशन ये आपका दिमाग में होना चाहिए। मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड में बना के रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि समय का बचत हो, क्योंकि आपके सामने बनाते रहेंगे थोड़ा टाइमिंग और जाता है, वीडियो थोड़ा कम समय में बनाना है, नहीं तो एक घंटे का क्लास ये बहुत अच्छा महसूस होता है। एक घंटे की क्लास में ताकि इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है और आपको आधे घंटे से कम में आपको वीडियो देना है, इसलिए पहले से ड्रॉ कर दिया जाता है ब्लैक बोर्ड पे ताकि समय कम लगे। जनरली 5 मिनट में देखते हैं इसको। देखिए, जो हमने लिया था चेकरबोर्ड परिकल्पना बताएंगे,
गोल्ड और येलो के लिए आपका एल लिखेंगे, कैपिटल आर आर वाई वाई। इसके लिए अपोजिट यानी विपरीत लक्षण के लिए क्या हो जाएगा, व्रिंकल और ग्रीन जो है स्मॉल लेटर हो जाएगा। यूमो बनाएगा तो सब यूमो की है कैपिटल बनाएगा, ये भी सब यूमो की है स्मॉल में तो स्मॉल में यूमो बनाएगा। दोनों फ्यूज किया तो आप क्या बना, आपका संकर गोल्ड प्लांट है जिसको कहते हैं F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी का पौधा। जब प्रथम पीढ़ी पौधे को सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, स्व परागण कराया जाता है, तो स्व परागण कराएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, चार तरह की यूमो जो हमने बताया था, ये चार तरह की यूमो ना, पहले ये इससे जुड़ा, फिर ये इससे जुड़ा, फिर ये आपका इससे जुड़ेगा और फिर ये इससे जुड़ रहा है। तो एक को मेल गैमेट मानिए, फिर इसी को उतार के यहां लिखिए फीमेल गैमेट मानिए, और इस तरह आपके 16 खाना बना लीजिए यहां पर। अब देखिए ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट अगर मानते तो दोनों को आपस में संयोजन करके लिख डालिए। लिखिएगा सबसे पहले कैपिटल लेटर पहले लिखा करिएगा और स्मॉल लेटर बाद में लिखिएगा, और एक लेटर यानी एक अक्षर को साथ में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आर आर को ना रख के आर वाई लिखे आर वाई लिखे, ऐसा मत कीजिएगा, आर आर को साथ में वाई वाई को साथ में। तो अब क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल, यानी सब आप इस तरह से बना लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, फिर से समझा देंगे। ये क्या बना है ये नोट करते हैं हम, कैसा आपको बीज वाला प्लांट होगा, गोल दोनों प्रभावी है, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे गोल, हिंदी में लिख देते जगह कम रहेगा, गोल पीला, यहां भी कैसा है गोल है, ये कैपिटल इस पे प्रभावी रहेगा तो ये गोल पीला हो जाएगा, गोल पीला, ये भी आपका गोल पीला, ये भी आपका गोल पीला है, ये भी कैसा है गोल पीला, सब आप लिखेंगे जरूर इसके अंदर, ये भी कैसा है गोल लेकिन पीला नहीं क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है, जब स्मॉल वाई किसका कैटर है हरा, यहां लिख देंगे हरा, ये कैसा है गोल, ये कैसा है पीला। जहां पर कैपिटल लेटर हो वहां पर सीधे सीधे प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, याद रखिएगा, ये भी आपका गोल, दोनों स्मॉल है इसलिए हरा, ये आपका गोल, दोनों कैपिटल है इसलिए क्या हो जाएगा पीला, गोल पीला आपका, देखिए दोनों स्मॉल लेटर तो कैसा रहेगा झुर्रीदार, कैसा होगा झुर्रीदार, याद रखिएगा झुर्रीदार, और आपका दोनों क्या है स्मॉल कैपिटल में है इसलिए पीला रहेगा, ये कैसा है झुर्रीदार, व्रिंकल जिसे कहते हैं डब्लू पीला येलो, ये कैसा है गोल पीला, ये आपका गोल हरा, ये आपका कैसा है झुर्रीदार व्रिंकल और पीला, ये कैसा है झुर्रीदार और ग्रीन। देखिए नौ पौधा कैसा आएगा, नौ पौधा गोल आपका येलो होगा, गिनेंगे गोल पीला आपका नौ प्लांट होंगे, फिर तीन प्लांट कैसा होगा झुर्रीदार पीला होगा, कैसा होगा झुर्रीदार पीला, आप गिनेंगे तो झुर्रीदार पीला नौ इसमें दिखाई देगा, जैसे एक दो तीन चार पांच छ छ छ छ छ छ छ छ सात 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 आठ 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 एक नौ नौ हुआ झुर्रीदार, झुर्रीदार कहाँ का है झुर्रीदार पीला एक यहाँ, झुर्रीदार पीला दो यहाँ, झुर्रीदार पीला तीन यहाँ, फिर कैसा होगा गोल लेकिन हरा रहेगा, गोल हरा, गोल हरा यहाँ, गोल हरा यहाँ और गोल हरा यहाँ हो गया, और एक प्लांट कैसा है गोल झुर्रीदार और हरा, ये आपका रेशियो है। दूसरे पीढ़ी में रेशियो नाइन बात है तीन अनुपात है तीन अनुपात है एक, टोटल 16 प्लांट बनते हैं और आपका चार तरह के पौधे बनेंगे, ये रखिएगा, इसी को कहते हैं आपका मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र प्रदर्शन करके 16 प्लांट बनाएगा जो चार तरह का होगा, दैट्स क्लियर। कौन चीज होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से अगर हम रिवाइज करना होगा तो करेंगे, और नोट जरूर कीजिएगा आप फेयर कॉपी में ताकि मेंशन जरूर हो जाए। सी यू अगैन, थैंक यू।